सिरमौर जिले के पशोक गांव में हुए सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 11 है। मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष और राज्य सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान। प्रदेश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्ट्रेन का फिलहाल कोई मामला नहीं, जांच को दिल्ली भेजे सैंपलों में नहीं मिले लक्षण। शिमला जिला परिषद की बैठक में कांग्रेस व माकपा सदस्यों का हंगामा, मौसम की मार झेल रहे किसानों बागवानों को राहत न देने व सेब कार्टन के बड़े दामों के खिलाफ किया वॉकआउट। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच हमीरपुर जिले ने शुरू की तैयारियां, उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज को कोविड केयर सेंटरों में सुविधा बढ़ाने के दिए आदेश। ऊना जिले में विजिलेंस ने रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोजा पंचायत सचिव, ईंट का डंप लगाने की एवज में ले रहा था 12,000 रुपए की रिश्वत, मुकदमा दर्ज। सिरमौर जिले में 15 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा करवा सकेंगे किसान। इस वर्ष सरकार ने खरीफ मौसम में मक्की तथा धान की फसलों को भी फसल बीमा के लिए किया शामिल। चंबा में वायु की शुद्धता जांचने के लिए मशीन स्थापित, धर्मशाला की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जाएंगे सैंपल। एनजीटी के आदेशों के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उठाया कदम।